टेपिया बटम टेपिया ना नमस्कार, आप देख रहे हैं रवजी लाइव और मैं हूं विशाल रंजन। आपको जैसा मालूम होगा कि बिहार के 9वें चरण का मतदान पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुके हैं। सभी प्रत्याशी जीत भी है, कई हारे भी हैं। उसी क्रम में अब 10वीं चरण के मतदान का जो है प्रचार प्रसार काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। पटना जिला अंतर्गत ही अठमलगोला प्रखंड के समनीमा पंचायत में अभी हूँ और यहाँ पे एक प्रत्याशी है जो कि महिला पुरुष के भीड़ के साथ जनसंपर्क कर रही हैं और मुखिया की उम्मीदवार हैं। उनसे जानेंगे कि इन पे कितना जनता भरोसा कर रही है, कैसे इनकी विजय सुनिश्चित होगी, इस पे भी इनसे चर्चा करेंगे। महिला हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या करेंगी, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो अभी समनीमा पंचायत के मुखिया उम्मीदवार हैं, सभी लोग अपने हाथ में बैनर भी लिए हुए हैं। कांति कुमारी कलम दवात का निशान उम्मीदवार भी हमारे साथ हैं। अपने हाथ में वो ईवीएम मशीन का डमी लिए हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि जनता के लिए ये क्या करेंगे, अगर मुखिया बनती हैं तो क्या करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपको स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। आप पहले अपना पूरा परिचय दे दीजिए। जनता भरोसा करके आपको मुखिया बना देती है तो क्या क्या विकास कार्यक्रम के लिए क्या क्या करेंगे? कांति कुमारी के जो प्रतिनिधि हैं, पति हैं, अगर कांति कुमारी जब मुखिया बनती हैं तो उनके विकासमत कार्यक्रम को वही देखेंगे। राजीव रंजन उर्फ संजीव सिंह के नाम से, संजीव यादव के नाम से जाने जाते हैं। तो हम उनसे भी जानेंगे कि मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, पत्नी इनकी खड़ा है, विकासमत कार्यक्रम के लिए क्या क्या इनकी परियोजना बना रखे हैं, युवाओं की टोली है, बुजुर्गों का टोली है, महिलाओं की टोली है, सब इनके जनसंपर्क में चल रहे हैं। तो इन पे भरोसा जनता जता देती है और मुखिया बना देती है तो विकास का क्या क्या कार्यक्रम इन्होंने परियोजना बनाए। सर, आपको तो रवजी लाभ में सबसे पहले स्वागत है। आपको भी धन्यवाद। सर, आपकी पत्नी इस बार मुखिया की उम्मीदवार बनी है समनीमा पंचायत से। पूर्व में भी इन्होंने मुखिया की उम्मीदवारी करी थी और कुछ ही मतों से इन्होंने पराजय हुए थे। इस बार आपके साथ काफ़ी संख्या में महिलाओं की भीड़ चल रही है, पुरुषों का, युवा, सभी लोग आपके साथ हैं। जनता भरोसा जता देती है और आपकी पत्नी कांति कुमारी को मुखिया बना देती है, तो आपने विकास के लिए क्या क्या परियोजना बनाए? सबसे पहले तो मेरा विकास का काम है कि जो समनीमा पंचायत में जल नल योजना बना है और धरातल पर कहीं नहीं उतरा से टंकी भी पता चलता है। और नया टोला समनीमा एक बस्ती है जहाँ की कागज़ पर नाला का काम हो गया है लेकिन नाला कहीं बना नहीं है। इससे क्या होता है कि बारिश का समय में ही पानी जमाव के कारण जितना भी गंदा है आने जाने में उनको व्यवस्था कर मरा जाती है। और एक चंदा गांव है जहां तो कहना ही नहीं है कि जब ताल क्षेत्र माना जाता है चंदा गांव। ताल क्षेत्र समनीमा पंचायत में ही आता है, तो बाढ़ जब आती है तो वहां आने जाने की सुविधा हो जाती है, सारी फसल बह जाती है, उससे कोई सरकार का लाभ नहीं मिल पाता है। मेरे पंचायत में दुगरी गांव है जहां सबसे आने जाने की कठिनाई है और यहां नाला कहीं पानी गिरने का कोई व्यवस्था नहीं है, जो हम सरकार से मिलकर इसको नाला का व्यवस्था करेंगे। सर, आपके पत्नी के साथ महिलाओं की काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। महिलाओं के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 50% आरक्षण दिए, जिसके कारण आपकी पत्नी आज मुखिया की उम्मीदवार बनी। अब उन महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके स्वरोजगार के लिए क्या क्या व्यवस्था करेंगे? सबसे पहले तो उनको लघु उद्योग के बारे में सरकार से जो भी है उनको सहायता जो मिला जाएगा, जिससे कि लघु उद्योग चलाकर अपने जीवन यापन
करेंगे। महिला लोग जो भी है सरकार के तरफ से मिलती है, और सबसे पहले यहाँ की महिला का स्वास्थ्य के लिए ध्यान दिया जाए। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है ही नहीं सब मीना पंचायत में, उससे कि महिला को कहीं भी आने जाने में बहुत कठिनाई होती है, और जब वह कोई भी तबीयत खराब होता है उनको तो एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं है। जो सरकार से मिलकर हम लोग एम्बुलेंस की व्यवस्था कराए। नली गली मुख्यमंत्री जी का क्या स्थिति रहा है इस पर? नली गली सिर्फ नाम का है, काम का है ही नहीं। समनीमा पंचायत में 14 वार्ड है, जिसमें मुश्किल से एक दो वार्ड में चल रहा है, लेकिन जो भी 10-11 वार्ड है वहाँ कोई ऐसा का वर्क भी नहीं हुआ है, और सिर्फ कागज़ पर ही पेमेंट हो गया है। ये आप लोग का भी देखने का चीज़ है, कहीं भी जाइएगा तो कहीं भी नल का व्यवस्था नहीं है, सिर्फ टंकी ही चढ़ा रहे हैं। जनता भरोसा आप पे जताकर आपकी पत्नी को मुखिया बना देती हैं, तो ये सब जो काम छूटे हुए हैं उस काम के लिए आपने कुछ तो कार्य योजना बनाए होंगे? सबसे कार्य योजना तो पहले बताए आपको कि समनीमा पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, उसको व्यवस्था कराएंगे, और एक नया टोला समनीमा गांव है जहां स्कूल की व्यवस्था नहीं है वहां स्कूल की व्यवस्था कराएंगे, और युवाओं लोग जो बेरोजगार हैं उनको आर्थिक मदद सरकार के द्वारा जो मिलता है उसको जितना भी युवा है उसके पास पहुंचाया जाएगा, जिससे कि युवाओं का भी पढ़ने लिखने में कोई कठिनाई नहीं। तो ये थे मुखिया प्रतिनिधि, मुखिया उम्मीदवार पति संजीव यादव। उन्होंने बहुत ही बाकी तरीके से हमें जवाब दिया, और विकास का मॉडल भी उन्होंने तैयार किया है।